खबर मंदसौर जिले के सुवासरा से। पेट्रोल डीजल रसोई गैस खाद्य सामग्री की मूल्य वृद्धि और बढ़ती महंगाई को लेकर ब्लॉक कांग्रेस के तत्वाधान में शनिवार को दोपहर 2:30 पर पूरा नगर बंद रहा। कांग्रेस जनों ने 2 घंटे तक पुराना बस स्टैंड पर धरना देकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दोपहर 2:30 पर बैलगाड़ियों पर गैस सिलेंडर रखकर नारेबाजी करते हुए पैदल रैली भी निकाली गई, जो नगर के पुराना बस स्टैंड से होते हुए तहसील कार्यालय पर पहुंची। यहां प्रभारी तहसीलदार कविता कडेला को ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा लगातार करों में वृद्धि करने के कारण पेट्रोल डीजल रसोई गैस और खाद्य सामग्री के दामों में लगातार मूल्य वृद्धि हो रही है। इससे आम नागरिक, किसान, मजदूर, निर्धन परिवार सहित अन्य लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही जीवन यापन में मुश्किलें आ रही है, जिसका कांग्रेस घोर विरोध करती है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार उक्त करों को घटाकर कम करे, जिससे लोगों को राहत मिल सके। इस अवसर पर कांग्रेस नेता पीरूलाल दबकरा, रामगोपाल सोनी, पारस जैन, राकेश पाटीदार, परमेश्वर पाटीदार, गिरीश वर्मा, भगवती लाल मोदी, राम सिंह मेहर, पन्ना लाल सोनी, दिलीप जायसवाल, शिव नारायण घोटाला, राहुल जैन, जगदीश राठौर, शुभम चौधरी, खदीर मुशी सहित कांग्रेस जन मौजूद थे। धरने के दौरान सुवासरा थाना प्रभारी राकेश चौधरी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। सुवासरा से संजय चौहान की रिपोर्ट। Thank you.